सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस चर्चा में लॉकडाउन की समय सीमा को लेकर फैसला लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष सहित कई दलों के नेताओं से कहा था कि कोरोना वायरस के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन एक बार में नहीं हटाया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 25 मार्च को लागू 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कल अधिकारियों के समूह की बैठक में अधिकार प्राप्त 11 समूहों के गठन के प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति श्रृंखला और वस्तुओं के परिवहन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। किसानों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 की व्यापक जांच प्रक्रिया की समीक्षा भी की गई। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा किट पीपीई के निर्माण जैसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत के पैकेज के जरिए कल्याण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। क्षेत्रीय भाषाओं में दूर दराज तक सही जानकारी पहुंचाने और आरोग्य सेतु ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। अब तक देश में सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि हर नागरिक को जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कल 16,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि एकत्र किए गए नमूनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि संक्रमण की दर अधिक नहीं है। देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 1 करोड़ गोलियों की आवश्यकता है और अभी 3.25 करोड़ से अधिक गोलियों का भंडार है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर की गई गलती को मान लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ कर दिया है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा नहीं है। गृह मंत्रालय ने त्योहारों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्णबंदी का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति नहीं देने के लिए कहा गया है। राज्यों से कानून व्यवस्था, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखने और आपत्तिजनक और फर्जी खबरों पर रोक लगाने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के अनुपालन में प्रशासन, सामाजिक और धार्मिक संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग ले। पूर्णबंदी का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। रेल मंत्रालय लॉकडाउन के बावजूद रेलवे जरूरी वस्तुओं की माल ढुलाई सेवा जारी रखे हुए है ताकि कोरोना चुनौती से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति और कृषि उत्पादों को राज्यों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम के 1 लाख से अधिक कर्मियों और मजदूरों के लिए कोविड-19 बीमा सुरक्षा की घोषणा की। सभी कर्मियों और मजदूरों का 35 लाख रूपये तक का बीमा होगा। ये बीमा 24 मार्च से अगले 6 महीने तक लागू है। केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस बीच दिल्ली में हॉटस्पॉट जगहों की संख्या 25 हो गई है। पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। मणिपुर सरकार ने घोषणा की है कि त्योहारों के मद्देनजर आज राज्य में सभी बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। अरुणाचल सरकार ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मंत्रियों और सभी विधायकों का वेतन 1 साल के लिए 30% तक कम करने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरूआत की। सप्ताह भर तक चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करने और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सुझाव भारत पढ़े ऑनलाइन .mhrd@gmail.com पर या # भारत पढ़े ऑनलाइन का उपयोग करके ट्विटर पर 16 अप्रैल तक भेजे जा सकते हैं।
एशियाई विकास बैंक ने भारत को 2.2 अरब डॉलर की तत्काल मदद देने का वादा किया है। एशियाई विकास बैंक ने महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के उपायों की सराहना करते हुए कहा है कि वो निजी क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है और जरूरत हुई तो भारत के लिए एडीबी की सहायता को और बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।